हे गाइस, तो आज का ये वीडियो आप सभी के कमेंट्स के ऊपर है, जहाँ पर दो कमेंट सबसे मेन है जो कि सारे लोग वैसे सेम कमेंट्स करते हैं। तो आपको भी अगर वज़न को जो है तेज़ी से कम करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसके अलावा हर्बल लाइफ में क्या चीज़ें हमको खाने चाहिए, क्योंकि एक कमेंट ये भी आया था, तो दोनों कमेंट्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला कमेंट आता है जयदीप का, डिस्प्ले पर देखो जो लिखते हैं डाइट में क्या क्या खाना होगा उस पर वीडियो बनाओ, ठीक है। और सेकेंड कमेंट आया है संगीता जी का, जो कि लिखती हैं सर पेट को कम करने के लिए क्या लेना पड़ेगा। तो शायद यही आपके कमेंट्स होंगे, क्योंकि एक तो डाइट का जो हमारा वो रहता है, दूसरा पेट, क्योंकि पेट अगर अंदर चला गया तो लगता है कि हमारा जो बॉडी का वज़न है ऑलरेडी बहुत सारा कम हो चुका है। तो एक पेट एक ऐसी चीज़ है जो अगर पेट बाहर आ रहा है तो लगता है कि वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो पेट का ही सारा खेल यहाँ पर रहता है। तो इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे हम इनको प्रॉपर यूज़ करें, हर्बल ऐप का शेक, प्रोटीन, एफ्रेस, साथ में जो भी टेबलेट्स है उनको कैसे यूज़ करें और हमारे वज़न को जो है हम काफ़ी तेज़ी से कम कर सकें, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सिर्फ रिक्वेस्ट आप लोगों से छोटी सी कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना, पूरा एंड तक। इसके कोई पैसा आप लोगों के लिए नहीं लग रहे, ताकि जानकारी अच्छे समझ में आ पाए, और जो चीज़ समझ नहीं आ पाए वो कमेंट कर देना। इसके अलावा आप जो है जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको जो है नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमको जो है यूज़ करनी है। तो सबसे पहला जो कमेंट आता है जयदीप का, जो लिखते हैं डाइट में क्या क्या खाना होगा उस पर एक वीडियो बनाओ। तो देखो डाइट में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, देखो हर्बल ऐप का शेक लेना है, प्रोटीन लेना है और एफ्रेश लेना है। टोटल तीन प्रोडक्ट है, जो कि फर्स्ट टाइम अगर आप हर्बल ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको डाइट में ये लेना है। अब इसको लेने का एक तरीका होता है, सुबह मॉर्निंग में हमको जो है हर्बल ऐप की एफ्रेश लेनी है, उठते हैं तो चाय की जगह पर रिप्लेस करनी है, चाय को बंद करना है। फिर नाश्ते में जो है हमको हर्बल ऐप का शेक लेना होता है। शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा डाइट प्लान का, जो कि चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो नाश्ते में जो है हमको हर्बल ऐप का शेक लेना है। अब शेक बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो शेक बनाने का तरीका मैंने वीडियो में बना रखा है, डाइट प्लान वाला वीडियो में बता रखा है, वो देख लेना, ठीक है। तो शेक प्रोटीन जो है आपको नाश्ते में लेना है, जो कि 250 ml पानी में मिलाना है, और ये सिर्फ आपका नाश्ता यहाँ पर होगा। 2-3 घंटे के बाद में आप जो है फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, हो सके तो हरी सब्जियाँ, सलाद सबसे बेस्ट आपके लिए होगा। दिन में आपको जो है लंच करना है, लंच में फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी है, तो बाकी ये चीज़ें आप नॉर्मल जो है चपाती, जो है दाल, अंडे वगैरह ले सकते हो। फिर एफ्रेश ले सकते हो थोड़ी देर बाद, और दिन में जो है 4-5 बजे के आसपास में वापस से एफ्रेश ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद वगैरह ले सकते हो, ताकि भूख पर कंट्रोल रहेगा और ये हेल्दी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी और वज़न को काफ़ी तेज़ी से कम करने में भी हेल्प करेगी। रात को जो है डिनर के टाइम पर हमें सिर्फ हर्बल ऐप का शेक लेना है, जो सुबह आपने नाश्ते में लिया था वही शेक जो है आपको नाइट में लेना है। तो ये आपके एक डाइट प्लान का छोटा सा वीडियो है, समझ में आ गया होगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है प्रॉपर डाइट का, तो वो मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो डाइट प्लान के ऊपर है। सारी चीज़ें मैंने बता रखी कि क्या कैसे शेक बनाना है, कैसे लेना है, कैसे पीना है और कब कब लेना है, तो एक बना रखा है, ये शॉर्ट में वीडियो बना रखा था, बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आता है सर पेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संगीता जी करते हैं कमेंट। तो देखो पेट जो है आपका, अब हर्बल ऐप का जब शेक, प्रोटीन, एफ्रेश यूज़ करोगे और डाइट को फॉलो करोगे तो ये ऑल बॉडी का जो रहता है, तो पूरी बॉडी का जो वज़न है ये हर्बल ऐप का शेक, प्रोटीन, एफ्रेश कम करने में आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पर पूरी बॉडी का वज़न कम होगा, तो जहाँ पर पेट इतना बड़ा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वर्कआउट की। अगर हो सके तो पेट वाला वर्कआउट करो, डिस्प्ले पर आप ये वर्कआउट देखो, एक नॉर्मल मैंने बताया है, इस वर्कआउट को देखो। तो इस वर्कआउट से होगा ये कि आपके पेट पर लोड पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है आपके पेट को भी जो है कष्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो पेट है वो धीरे धीरे अंदर होगा। इस चीज़ में टाइम लगता है, समय लगता है, चीज़ें करो या फिर रनिंग आप करो, जितना हो सके उतना रनिंग आप करोगे तो आपका पेट काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ चला जाएगा और जो है वज़न भी आपका वहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि पेट में भी इतना वज़न रहेगा तो वो ऑलरेडी कम हो जाएगा तो पेट भी अंदर हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हो पूरी बॉडी का है, पूरी बॉडी का वज़न आपका कम होगा
और पेट को खाली अपन को अंदर करना है तो इसके लिए आपको वर्कआउट्स ही करना पड़ेगा। वर्कआउट आप करो, जितना हो सके उतना वर्कआउट करो, पेट पर जितना लोड पड़ेगा आपका वज़न उतना ही तेज़ी से कम होगा। ट्राई करना, ये जो है मैंने एक्सरसाइज बताई, ये नॉर्मल बताई, ऐसी पेट की बहुत सारी एक्सरसाइज जो आप करोगे तो आपका बेली फेट कम होगा, पेट का जो फेट है वो गलेगा और पेट बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा और बिल्कुल फ्लैट आपका पेट हो जाएगा। इस चीज़ में समय लगेगा, 3-4 महीने 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन पेट जो है आपका बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर होगा अगर इतनी मेहनत आप और कर लेते हो तो, सुबह शाम है कर सकते हो और फिर आप जो है रिज़ल्ट खुद यहाँ पर देखना। तो ये जो दो कमेंट है जो आपने किए, मैंने इसका जवाब यहाँ पर दे दिया है। अब आप और भी कमेंट्स करो, उनके भी जवाब मैं दूंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को डिस्काउंट में चाहिए तो डिस्प्ले पर व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको जवाब दे दूंगा कि प्रोडक्ट इतने इतने रुपये के आते हैं और लेने के सारे तरीके हैं जो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताता हूँ। तो आप नीचे कमेंट्स करो, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। ढेरों कमेंट करो और वीडियो को लाइक हर जगह शेयर करते रहना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।